हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें जो है भाग दो के बारे में आज पढ़ेंगे, नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। नागरिकता का उल्लेख जो है हमारे संविधान के कहां से कहां तक है इसके बारे में पढ़ेंगे। 5 से लेकर के 11 तक जो है आर्टिकल आते हैं वो हमारे नागरिकता के बारे में जो है बताते हैं। और नागरिकता के बारे में जो हमने, हालांकि आर्टिकल के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था, लेकिन आज जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे उन आर्टिकल के अंतर्गत जो है हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, वो अगर जो आप डिटेल में नहीं पढ़ के जाएंगे आज के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होने वाला एग्जाम में। तो चलते हैं हम यहाँ पे, पहला जो है इसका नागरिकता के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल यहाँ 5 के बारे में पढ़ेंगे, और आर्टिकल 5 के बाद जो हम आर्टिकल 6 में पढ़ेंगे, 7 का पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे, 11 पढ़ेंगे, और फिर दोहरी नागरिकता के बारे में जानेंगे क्या है, और भारत की नागरिकता अधिनियम 1955 और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, इन सभी के बारे में जो है हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलते हैं भाग दो में जो है 5 से लेकर के 11 तक जो है नागरिकता के बारे में जो है हमको बताया गया है कि यहाँ से जो है हमको मतलब ये आर्टिकल जो है संविधान के नागरिकता के बारे में बताते हैं। तो इसके पहले की अगर जो बात करें तो किसी भी देश में निवास ऐसे व्यक्ति जिन्हें उस देश में राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक अधिकार है वो क्या कहलाते हैं, नागरिक कहलाते हैं। मतलब कोई भी देश ऐसा है जिनको इन चीजों में जो है समाज में आर्थिक में और मतलब इन चीजों में समानता का एक प्रकार से अधिकार है, सभी मतलब राजनीतिक आर्थिक सामाजिक एक प्रकार से जिनको अधिकार प्राप्त हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा, नागरिक बोला जाएगा। बहुत से मतलब हमारे जो मूल अधिकार हैं वो सब मतलब राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार सामाजिक तीनों अधिकार जिनको प्राप्त हैं ऐसे व्यक्तियों को नागरिक बोला जाता है। हालांकि कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त हैं लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो अब आगे हम जब नागरिकता में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो अधिकार हैं जो हमारे देशवासियों को प्राप्त हैं लेकिन बाहरी देशवासियों को प्राप्त नहीं है, उसके आधार पर जो है नागरिकता दी जाती है, नागरिकता जो है लोगों को डिफाइन की जाती है। धर्म जाति मूल वंश के आधार पर जो है विदेशियों के साथ एक प्रकार से इनका ये अधिकार उनको प्राप्त नहीं है, और हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त है समानता का अधिकार, हर चीज में समानता का अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, इनके बारे में जानेंगे। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, भारत में जो है एक ही नागरिकता का प्रावधान है, और एकल नागरिकता से प्रेरित जो है कहां से है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रस्ताव एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, एकल नागरिकता कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद में नागरिकता के संबंध में कुछ कानून की जो है सख्ती दी गई है। कोई जो है मतलब संसद के अनुच्छेद 11 में जो है नागरिकता संबंधी कुछ सख्तियां दी गई हैं। अब अनुच्छेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में जान लें नागरिकता के बारे में। तो अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय जो है नागरिकता दी गई थी, अनुच्छेद 5 के अंतर्गत जो है नागरिकता दी गई थी। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता जो मिली थी वो अनुच्छेद 6 में रख दिया गया था। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो मतलब यहाँ पे भारत और पाकिस्तान से जो मतलब भारत से जो है मतलब भारत में आए लोग जो थे पाकिस्तान से विस्थापित कर दिए, मतलब वहां पे बोल दिया गया था जो पाकिस्तान में रहना चाहे पाकिस्तान में रहे, जो भारत में रहना चाहे तो भारत में रहे। तो जाहिर सी बात है कुछ लोग यहाँ से भारत चले गए और कुछ लोग पाकिस्तान एरिया से भारत आ गए थे। तो भारत जो आए थे उनको जो है अनुच्छेद 6 के अंतर्गत जो नागरिकता दी गई थी। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, मतलब भारत से पाकिस्तान जो लोग गए थे उनकी नागरिकता की बात की जा रही है, तो अनुच्छेद 6-7 के अंतर्गत जो है उनको रखा गया था। अनुच्छेद 8 जो है विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता की बात करता है, मतलब कोई भी नागरिक है जो विदेश में रह रहा है वो भारत का नागरिक है, उसको अनुच्छेद 8 के अंतर्गत जो है नागरिकता प्रदान की जाती है। बहुत से लोग जो है विदेश चले जाते हैं, वहां पे रहते हैं, वहां पे बस जाते हैं प्रकार से, और हालांकि नागरिकता उनको यहाँ की प्राप्त होती है,
लेकिन वो वहां पे रहते हैं, तो ये ऐसे नागरिक, तो ऐसे अगर जो लोग हैं तो उनको अनुच्छेद 8 के अंतर्गत रखा जाएगा। अनुच्छेद 9 नागरिकता जो है समाप्त कर देती है। अगर जो कोई लोग बाहर की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, ये बाहर की मतलब नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो उनकी नागरिकता यहाँ पे समाप्त हो जाती है। किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाती है, और अनुच्छेद 9 के एक प्रकार से इसके अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 10 की अगर जो बात करें तो नागरिकता बने रखने की बात की गई है। अनुच्छेद 9 में 10 में नागरिकता जो है बनी रहेगी, उसके क्या क्या कारण है वो इसमें जो है बताया गया है। अनुच्छेद 11 में जो है संसद की शक्ति की बात, मतलब नागरिकता संबंधित संसद की क्या शक्तियां हैं उनकी बात जो की गई है अनुच्छेद 11 में की गई है। अनुच्छेद 5 की अगर जो बात करें तो भारतीय संविधान के समय जो नागरिकता, भारतीय संविधान के मतलब लागू होने के समय जो नागरिकता थी, अनुच्छेद 5 बताता है, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 कोई ऐसा व्यक्ति, मतलब 26 जनवरी 1950 के मतलब जब संविधान लागू हुआ था उसके बाद की नागरिकता की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है बना था, और इसके बारे में भी बता चुके हैं कब ये क्यों लागू किया गया था। और यहाँ पे अगर जो हम बात करें, कोई भी व्यक्ति है जो भारत का क्या मतलब एक एकल नागरिक है, भारत का एक प्रकार से वो नागरिक है, वो 26 जनवरी 1950 का कोई से को मतलब 26 जनवरी 1950 को कोई भी व्यक्ति अगर जो भारत का नागरिक है तो वो नागरिक कहलाएगा, जिसका भारत में अधिवास है, जो भारत में एक प्रकार से रह रहा है, उसका या उसके माता पिता किसी में एक का जन्म अथवा मतलब उसका उसका जन्म या तो भारत में हुआ या उसके माता पिता में किसी एक का जन्म जो है भारत में हुआ हो, तो वो भारत का एक प्रकार से नागरिक बोला जाएगा। जो कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवास कर रहा हो, कोई भी व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवास कर रहा हो उसको जो है इसके अंतर्गत रखा गया था। अगला अनुच्छेद 6 के अंतर्गत पाकिस्तान से आए जो हैं लोग भारत की नागरिकता दी जाती गई थी। 3 जून 1947 ईस्वी को पाकिस्तान का एक प्रकार से बंटवारा कर दिया गया, विभाजन हो गया, और परमिट पद्धति लागू की गई। परमिट पद्धति लागू की गई 19 जुलाई 1948 ईस्वी को एक परमिट पद्धति लागू की गई, मतलब परमिट पद्धति के आने जाने की परमिट की पद्धति लागू की गई। भारत सरकार ने परमिट पद्धति को अंतिम बार जो है पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत आ सकता था, मतलब यह परमिट पद्धति 19 जुलाई 1948 को लागू की गई। यहाँ पे परमिट पद्धति यह थी कि इस तारीख तक जो है कोई भी पाकिस्तान का नागरिक भारत जा सकता है, भारत का नागरिक पाकिस्तान आ सकता है, ये जो है बात थी। पाकिस्तान से भारत आया कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा 19 जुलाई 1948 या उससे पहले भारत आया हो तो वो भारत का नागरिक होगा, ये पाकिस्तान के लिए एक प्रकार से मान्य था, अथवा उसके माता पिता, उसका दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, मतलब विभाजित नहीं हुआ था भारत उस समय, उसके पहले जो है विभाजित अविभाजित भारत में होना चाहिए तो वो भारत का नागरिक होगा। उदाहरण के लिए मिल्खा सिंह जी, इस प्रकार से आप समझ लेते हैं, तो इनका जो एक प्रकार से जन्म, मिल्खा सिंह बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुके थे और उसके बाद 1947 ईस्वी में ये जो है भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद यहाँ पर जो है भारत में आए थे और यहाँ की नागरिकता को इन्होंने ग्रहण किया था। अब इसके बाद में आया था अनुच्छेद 7 के अंतर्गत भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। भारत से पाकिस्तान जो लोग चले गए थे उनको नागरिकता की बात करता है अनुच्छेद जो हमारा 7। भारत पाकिस्तान के विभाजन जब हुआ था 3 जून 1947 को हो गया था। परमिट पद्धति 19 जुलाई 1948 को लागू की गई थी। भारत सरकार ने परमिट पद्धति अंतिम बार कोई भी भारत से पाकिस्तान या भारत से क्या कर सकता है, पाकिस्तान से भारत आ सकता था। भारत से पाकिस्तान मतलब गया कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। भारत से पाकिस्तान का गया कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो 19 जुलाई 1948 या उससे पहले जो है भारत में आया हो, यह पद्धति लागू की गई थी।
अनुच्छेद 8 की बात करें तो विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता अनुच्छेद 8 के अंतर्गत आती है। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 में विदेश में निवासरत जो है व्यक्ति भारत के नागरिक होगा जो भारत में पैदा हुआ हो। मतलब 26 जनवरी 1950 को विदेश में निवासरत व्यक्ति अगर जो है वो भारत का नागरिक होगा, लेकिन क्या जो मतलब कारण था वो भारत में पैदा होना चाहिए, भारत में उसका जन्म होना चाहिए हुआ हो। अगले अगर जो बात करें अनुच्छेद 9 की बात करें तो नागरिकता समाप्त कर देता है अनुच्छेद 9। भारत में जो है नागरिकता के 5 तरीकों से समाप्त की जा सकती है। पहले जो है स्वेच्छा दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लीजिए तब नागरिकता समाप्त। गलत सूचना दे रहे हैं आप, मतलब नागरिकता संबंधी यहाँ की भी नागरिकता वहां की भी नागरिकता गलत सूचना दे रहे हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। देशद्रोह साबित हो जाने पर भी आपको मतलब नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और भारत सरकार के बिना सूचित किए 7 वर्ष तक विदेश में रह रहे हैं आज आप तो भी आपकी नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी। स्वेच्छा से अपनी नागरिकता समाप्त करें, अपनी नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ सकता है। दूसरे से अगर जो कोई नागरिकता देना चाहे दूसरे की नागरिकता देने के लिए नागरिकता में स्वतः समाप्त हो जाएगी क्योंकि दोहरी नागरिकता का यहाँ पे प्रावधान नहीं है, एकल नागरिकता का प्रावधान यहाँ पे है। गलत सूचना का मतलब होता है भारत के नागरिक समय अपने कोई गलत सूचना देता है, नागरिकता लेते समय अगर जो कोई व्यक्ति गलत सूचना देता है अपनी नागरिकता उसकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। मतलब गलत सूचना का मतलब है कहीं दूसरे की ग्रहण कराया है और यहाँ पे वो बोल रहा है एक प्रकार से कि हम भारत के नागरिक रहना चाहते हैं तो नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाएगी पता होने पर। अनुच्छेद 10 की अगर जो बात करें तो नागरिकता जो है बने रहने की बात करता है, कैसे बने रहेगी। यदि आप अनुच्छेद 9 के किसी तरीके से आप अपनाते हैं तो नागरिकता बनी रहेगी। मतलब अनुच्छेद 9 में जो बताया गया है उसके अगर जो प्रावधानों को आप मानते हैं तो नागरिकता आपकी बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 बताता है संसद की शक्ति क्या है नागरिकता संबंधी, नागरिकता संबंधी कानून बनाने की जो है शक्ति क्या है। भारत का नागरिकता अधिनियम 1955 भारत का नागरिकता अधिनियम 1955 5 बार संशोधन इसमें हुआ है। कितनी बार संशोधन हुआ? 5 बार, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015। अभी नागरिकता में जो है एक प्रकार से संशोधन हाल ही में किया गया था जिसके कारण काफी विरोध प्रदर्शन हुए, एनआरए लगाया गया था एक प्रकार से, तो वो भी एक प्रकार से नागरिकता संशोधन। तो ये 6 बार नागरिकता संशोधन एक प्रकार से कह सकते हैं हो चुका है। 1955 में 5 तरीके से नागरिकता दी जाती है। जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, वंशानुगत रक्त संबंधी अगर जो कोई है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, पंजीकरण कराया होगा उसने भारत की नागरिकता के लिए, यहाँ पे रहा होगा, यहाँ के रूल्स फॉलो किए होंगे तब उसने पंजीकरण कर तब नागरिकता मिलेगी। देशीकरण किया होगा उसने तो उसको नागरिकता मिलेगी, दूसरी देश में एक प्रकार से रहा होगा। और भूमि अधिग्रहण उसने किया होगा, यहाँ पे उसकी भूमि है तो उसका नागरिकता मिलेगी। और देशीकरण का मतलब उस देश का एक प्रकार से उसका कोई नागरिक रहा होगा तो उसको नागरिकता मिलेगी। जन्म की अगर जो बात करें तो भारत में जन्म ऐसा व्यक्ति हो भारत में मतलब पिता भारत के नागरिकता हो नागरिक हो और उन्हें भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। मतलब जन्मा ऐसा व्यक्ति भारत में कोई भी हो जिसका पिता जो है भारत का नागरिक हो तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। 1986 ईस्वी में माता पिता दोनों को कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया कि माता पिता दोनों अगर जो मतलब के द्वारा भारत में कोई जन्मा व्यक्ति है उनके माता पिता में यहाँ के हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। वंश क्रम रक्त संबंधी मतलब है कोई भी व्यक्ति जिसके पिता भारत के नागरिक हों उन्हें भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। 1992 में जो है संशोधन एक किया गया, यहाँ 1996 में पिता माता पिता कर दिया गया था भारत की नागरिकता। मतलब यहाँ पे जन्मे होने की बात की गई थी, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो जो भारत का नागरिक है और उन्हें भी नागरिकता दी जानी चाहिए, जिनके माता पिता यहाँ के हैं उनको भी नागरिकता दी जानी चाहिए। जैसे उनके जिसके पिता भारत के नागरिक होंगे तो भारत की नागरिकता उसको मिल जाती थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया 1992 में, पिता माता कोई भी भारत के हैं
तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी वंश क्रम के आधार पर। भारत में सर्वाधिक नागरिकता वंश क्रम रक्त संबंधी के एक प्रकार से आधार पर दी जाती है। पंजीयन के आधार पर दो लोगों को नागरिकता दी जाती है। भारत के मूल विदेशी नागरिक हों उनको नागरिकता दी जाए। भारतीय मूल के जो हैं विदेशी नागरिक हैं, भारत के मूल के एक प्रकार से उनके हैं पूर्वज एक प्रकार से, या वो रहे हो भारतीय मूल के, तो उनको जो है नागरिकता दी जाएगी। और विदेशी मूल में ऐसे व्यक्ति जिनके भारत के पुरुष और महिला से विवाह कर लेते हैं, मतलब विदेश के लोग ऐसे नागरिक होंगे जो भारत की लेडीज या भारत के पुरुष से शादी हो जाती है और वह 5 वर्ष के लिए भारत में रह रहा हो, 5 वर्ष से अगर जो भारत में रह रहा है तो भारत की नागरिकता उसको मिल जाएगी। 2003 में इसमें संशोधन किया गया, 5 वर्ष को बढ़ा करके 10 वर्ष कर दिया गया। 2015 में संशोधन करके 10 वर्ष से घटा करके 1 वर्ष कर दिया गया, और पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ करके बाकी सभी के लिए 1 वर्ष कर दिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो नागरिक हैं उनको 1 वर्ष की नागरिक रहने पर यहाँ पे नागरिकता नहीं मिलेगी, ऐसा बनाया गया। देशीकरण, विदेश के मूल में कोई भी व्यक्ति 5 वर्ष तक एक प्रकार से 5 वर्ष से पूर्व भारत में एक प्रकार से रह रहा हो जिनके भारत और भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। विदेश का अगर मूल का कोई भी व्यक्ति है जो 5 वर्ष से पूर्व भारत में रह रहा हो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। 2005 में संशोधन 5 से 10 वर्ष कर दिया गया। 2015 में संशोधन किया गया, 10 से 1 वर्ष कर दिया गया। और विदेशी राजनीतिक नागरिकता का देशीकरण के तहत नागरिकता दी जाएगी। कौन सी देशीकरण है? उदाहरण के लिए MF हुसैन को जो है नागरिकता वो देशीकरण के थ्रू जो है मिली थी। हुसैन का नाम मकबूल फिदा हुसैन था। ये जो है 1915 में पैदा हुए, जन्मे थे पंढरपुर महाराष्ट्र में, और इसके बाद बाहर चले गए थे, कई देशों की नागरिकता ग्रहण कराए थे, उसके बाद फिर से भारत की नागरिकता ग्रहण किए थे। विदेशी मूल का कोई भी 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो तो नागरिकता जो है उसको दी जानी चाहिए। भूमि अधिग्रहण, यदि भारत सरकार ने विदेशियों को भूमि अधिग्रहण करती है, विदेशियों से जो है भूमि अधिग्रहित करती है और उसे नागरिकता हो जाएगी, नागरिकता कहलाएंगे। जैसे सिक्किम हो गया, गोया, दमनद्वीप, दादर, नगरवली, पांडिचेरी, मतलब भारत सरकार ने अगर जो भूमि अधिग्रहण किया एक प्रकार से विदेश के नागरिक को उसमें मतलब है तो अपने आप नागरिकता उनको मिल जाएगी। दोहरी नागरिकता का प्रावधान, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, एकल नागरिकता वाला पहला देश है। PIO को पर्सन ऑफ इंडियंस, भारत के नागरिक नहीं है, PIO जो है पर्सन ऑफ ओरिजिन, PIO जो है ये पर्सन ऑफ ओरिजिन इनको बोला जाएगा, तो ये भारत के नागरिक नहीं है। OCI जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारत के नागरिक नहीं है। NRI जो है नॉन रेजिडेंट इन इंडियन, जो भारत के नागरिक हैं विदेश में रहते हैं, ये सब जो है भारत के नागरिक कहलाएंगे। PIO जो है भारत के नागरिक नहीं। अब हम उनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि PIO व्यक्ति क्या है। पूर्ण रूप से PIO जो है भारत के मूल व्यक्ति होते हैं, भारत के मूल व्यक्ति हैं। और हुआ क्या है, इन्होंने समुद्र पारी भारतीय नागरिकता इन्होंने क्या की है, ग्रहण कर ली है। प्रवासी भारतीय नागरिक इनको कहा जाएगा। क्या कहा जाए, पूर्ण रूप से बात करें कि हम तो PIO जो हैं ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के क्या हैं व्यक्ति हैं। और OCI जो हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, समुद्र पारी भारत की नागरिकता इन्होंने ग्रहण कर ली है। पारस की प्रवासी भारतीय इनको नागरिक बोला जाता है। उपनाम तो इनका कुछ नहीं है, इनको दोहरी नागरिकता का कार्ड दिया जाता है OCI को, हालांकि ये भारत की नागरिक नहीं कहे जाएंगे। परिभाषा, कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दीदी में से कोई भी भारत में पैदा हुआ हो, भारत में एक प्रकार से इनमें से कोई पैदा हुआ हो जिनके पास पासपोर्ट है और उन्हें PIO का दर्जा दिया जाता है, उनको क्या किया जाता है, PIO का दर्जा दिया जाता है। मतलब
कोई भी व्यक्ति जिनके माता पिता या दादा दादी में कोई एक जो है भारत में पैदा हुआ लेकिन भारत में रह नहीं रहा है, विदेश में जाकर के रह रहा, वहां की नागरिकता ग्रहण कर ले, उसको जो है पीआईओ के अंतर्गत रखा जाएगा। और 26 जनवरी 1950 में भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या उससे पश्चात विदेश की नागरिकता ले लेता है तो उन्हें ओसीआई का दर्जा दिया जाता है, ओरिजिनल सिटीजन ऑफ इंडिया। और जन्म के आधार पर अगर जो बात करें तो जन्म लेना जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि वो जन्म लिया हो तो उसको पीआईओ का दर्जा दिया जाए। भारत में जो है जन्म लेना जरूरी है, वो भारत में उसने जन्म लिया हो तभी उसको ओसीआई का दर्जा दिया जाएगा। ओवरसीज की है 15 वर्ष तक रहा हो कम से कम, और यहाँ पे 15 वर्ष का इसको जो है वीजा कहलाएगा, और हर 6 महीने के नजदीक जो है पुलिस को सूचना देना होता है। अगर जो पीआईओ कोई व्यक्ति है तो उसको नजदीकी एक प्रकार से पुलिस स्टेशन में जो है सूचना देना होता है, और लाइफ सिर्फ में एक बार पीआईओ मिलता है, लाइफ में किसी भी व्यक्ति को एक बार पीआईओ का दर्जा जो है दिया जाता है, इनको लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम इनका जो है वीजा कहलाता है, ये आ जा सकते हैं, इनका लाइफ टाइम वीजा होता है। प्रकार से भारत में प्रवेश के लिए वीजा की आवश्यकता इनको नहीं होती है, इनको जो है वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, इनको भी वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। प्रारंभ में 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की थी, मतलब इसकी जो है घोषणा की थी पीआईओ की। और फिर नासिर हुसैन ने क्रिकेटर जो है 1999 में इंग्लैंड के टीम भारत जो है आई थी तो इन्होंने एक प्रकार से बात की थी। उसके बाद इसकी कहें तो 2003 में एलएन समिति की सिफारिश से अलग अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसकी घोषणा की थी, और भारत का ओसीआई कार्ड जो है निब्रत राय ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे, इन्होंने एक प्रकार से इसका जो है मतलब जारी किया था। और आर्थिक एवं शैक्षणिक इनको जो है अधिकार प्राप्त है पीआईओ को, इनको जो है ओसीआईओ को जो है चुनाव लड़ने मत देना और मत लेना और मत देना और कृषि और इन तीनों को छोड़कर सारे एक प्रकार से अधिकार प्राप्त हैं। चुनाव नहीं लड़ सकता है, मत नहीं दे सकता है, कृषि इन तीनों को छोड़ करके, कृषि कार्य में उन्हें काम कर सकता तो इन सब छोड़ करके उनको अधिकार प्राप्त हैं। जो ओसीआई हैं इनको 15, 16 और 19, 29 के अधिकार नहीं दिए जाते हैं, इनको जो है ये अधिकार नहीं दिए जाते हैं ओसीआई को 15, 16, 19, 29, बाकी इनको जो है अधिकार दिए जाते हैं मूल अधिकार के थ्रू। और ये अगर जो बात करें तो वो पीआईओ को किनको दिया जाता है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, चीन है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, इन 7 देशों को छोड़कर इन सभी देशों को पीआईओ दिया जाता है। 7 देशों को छोड़कर विश्व के जितने भी देश हैं उन सबको पीआईओ दिया जाता है, इनको नहीं। मतलब ये 7 देश हैं भारत की बाउंड्री के आसपास के, इनको जो अगर जो छोड़ दिया जाए तो बाकी को जो है पीआईओ का दर्जा दिया जाता है, इनको जो है नहीं दिया जाता है। 16 देशों को जो है एक प्रकार से ओसीआई दिया जाता है जहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको जो है दोहरी नागरिक, जितने 16 देश हैं उनको नागरिकता का प्रावधान है। एक मिनट, अब देखते हैं इसको, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई का देश 16 देशों को जो है, जिन 16 देशों को दर्जा प्राप्त है उनकी यहां पे हम बात करेंगे कि जिन 16 देशों को दर्जा प्राप्त है ओसीआई का उनकी यहां पे अगर जो बात करें तो पहला देश जो है वो स्वीडन है, दूसरा है फिनलैंड है, तीसरा जो है इटली है, इनको ओसीआई का दर्जा दिया जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। और यहाँ कनाडा है, यहाँ यूएसए है,
तो उत्तरी अमेरिका के दो देश हैं कनाडा और यूएसए, दक्षिणी अमेरिका का कोई देश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को ओसीआई का दर्जा प्राप्त है, न्यूजीलैंड को प्रोसीआई का दर्जा प्राप्त है, और एशिया का कोई एक प्रकार से यहाँ का देश नहीं दिख रहा है, इजराइल को छोड़ करके, इजराइल को छोड़ करके एशिया को कोई देश नहीं दिख रहा है जिसको मतलब ओसीआई का दर्जा प्राप्त हो। और यहाँ यूनान है, यूनान जो यहाँ पे पड़ता है, यूनान है और साइप्रस है, इनको जो है ओसीआई का दर्जा प्राप्त है, और स्विट्जरलैंड को ओसीआई का दर्जा प्राप्त है, फ्रांस को, पुर्तगाल को, नीदरलैंड को, ब्रिटेन को, आयरलैंड को। ज्यादातर ओसीआई का दर्जा जो है यूरोपीय देशों को प्राप्त है, तो इनको याद रखना। और ज्यादातर पूछ सकता है तो आपके लिए न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा हो गया, और एक प्रकार से ऑस्ट्रेलिया हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, इनको ओसीआई का दर्जा प्राप्त है, इटली हो गया, साइप्रस हो गया, यूनान हो गया, और नॉर्वे, आयरलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, नीदरलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। और ये इतने याद रखिए क्योंकि कभी कभी इटली जैसे हो गया तो इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये आपके गलत नहीं होना चाहिए। अगली अगर जो बात करें, पीआईओ का दर्जा किन किन को प्राप्त है, भारतीय मूल का व्यक्ति होते हैं जो 7 देशों को छोड़ करके पीआईओ का दर्जा प्राप्त है, कौन कौन से 7 देश हैं? पाकिस्तान को नहीं प्राप्त है, अफगानिस्तान को, नेपाल को, भूटान को, और यहाँ पे चाइना को, 7 देशों को नहीं प्राप्त है, बांग्लादेश हो गया और श्रीलंका हो गया। आसपास के जितने बाउंड्री के देश हैं 7 देशों को जो है पीआईओ का दर्जा प्राप्त नहीं है। ये चीन यहाँ पे है, वहां दिख रहा है, एक्चुअल में रॉन्ग है ये ऐसे है। अब अगर जो हम बात करें तो भारत में जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है, कब किया गया है? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 6 जनवरी 2015 को इसमें एक संशोधन किया। इसके बाद हाल ही में संशोधन हुए हैं, उनके बारे में जो है करंट में हम आपको बता दिए होंगे पिछले लेक्चर्स में, तो उनको कौन ओसीआई वगैरह वगैरह इनके मतलब एनसीआर और एनपीआर के बारे में बता दिए होंगे आपको। हालांकि अब यहाँ पे हम जो बताएंगे आपको वो 2015 के अधिनियम के बारे में बता देंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जो है 6 जनवरी 2015 को इस पे हस्ताक्षर किए थे। इस अध्यादेश के तहत नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया था, नागरिकता की समय सीमा 1 वर्ष कर दी गई थी, और भारत के नागरिक लगातार 1 वर्ष से भारत में रहने के लिए अधिकतम 30 दिन जो है वो छूट के तहत अध्यादेश प्रदान किया गया। ओसीआई और पीआईओ इनको जो है दिया जाता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को आईओसी में विलय कर दिया गया, इंडियन ओवरसीज कार्ड में जो है इनको विलय कर दिया गया, ये कार्ड इनको जारी दिया जाता है। पीआईओ का विलय मतलब यहाँ पे जो बात की गई, पीआईओ को पर्सन ऑफ द ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन का ओसीआई ओरिजिन ओवरसीज सिटीजन में विलय कर दिया गया। यहाँ पे इन दोनों को मिला दिया गया, पहले जो पीआईओ को अलग रखा गया था अब उनको मिला दिया गया, और इन दोनों को जो कार्ड दिया जाता है वो एक ही कार्ड अब जो है 2015 से दिया जाने लगा। विलय के बाद पीआईओ कार्ड धारक में यह सुविधा मिल गई कि ओसीआई कार्ड धारक को, जो ओसीआई कार्ड धारक को मिलती थी, ओसीआई कार्ड धारक जीवन भर वीजा मिलता था और काम करने की इनको जो है इजाजत होती थी, वही दर्जा पीआईओ को भी मिल गया, आजीवन वीजा के पात्र ये भी हो गए। भारतीय मूल के लोगों को थाने में तहरीर का हाजिर होने की एक प्रकार से सख्त छूटों का प्रावधान था, मतलब प्रावधान है, और भारतीय यहाँ पे प्रवासी भारतीय नागरिकों को जो बच्चे होते हैं, पोता पोतियों, पर पोता पोतियों, इनके जो है प्रवासी भारतीयों के नागरिकों के तौर पर पंजीकरण करना करने का जो है इनको अधिकार मिल गया, पंजीकरण करा सकते हैं नागरिकता के लिए। धारा 7A के तहत जो है पंजीकृत प्रवासी भारतीय नागरिक के पति पत्नी प्रवासी नागरिक के तौर पर पंजीकरण करने का जो है इनको अधिकार है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में स्थायी कानून 2 मार्च 2000 को लोकसभा से पारित किया गया, 4 मार्च 2015 को राज्यसभा से पारित किया गया। राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाने पर यह अध्यादेश बन गया और स्थायी कानून का दर्जा इसको प्राप्त हो गया। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में आर्थिक विकास के एक प्रकार से मूल ढांचे में विदेशी नागरिकों को आकर्षित करने के लिए ये जो है
प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा जा सकता है। ये प्रत्येक 2 वर्ष में 2015 से जो है मनाया जाने लगा, पहले ये 2014 तक, 2003 से 2014 तक 1 वर्ष में मनाया जाता था। 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी अफ्रीका की वकालत करके ये क्या करते थे, वापस लौटे थे, जिनकी याद में जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का संलग्नता किसने की थी? लक्ष्मी लक्ष्मी मल जो है सिंधवी ने जो इसकी की थी। लक्ष्मी मल सिंधवी एलएम समिति इसको बोलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में प्रत्येक वर्ष जो है प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया, मतलब 2003 से प्रत्येक वर्ष इसको जो है एक प्रकार से मनाने का आयोजन किया गया है। 2003 से जो है इसको प्रत्येक वर्ष एक प्रकार से मनाने का आयोजन किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को प्रत्येक 2 वर्ष में मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है 7 से 9 जनवरी को होता है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रवासी भारतीय दिवस का जो सम्मेलन होता है 7 से 9 जनवरी को होता है। 2003 से 2014 तक जो है प्रवासी दिवस मनाया गया प्रत्येक 1 वर्ष में। कब से? 2003 से लेकर के 2014 तक जो है प्रवासी भारतीय दिवस ये प्रत्येक 1 वर्ष में मनाया जा गया। और 2015 की घोषणा के बाद प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष में 2015 में जो है इसका आयोजन किया जाता है। 2015 से आयोजन करता जो है इसका विदेश मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो इसको करता है इंडिया का। और सबसे ज्यादा सम्मेलन दिल्ली में इसके हुए हैं, 7 सम्मेलन हुए अब तक। और महात्मा गांधी के 100वां एक प्रकार से वर्षगांठ पर आयोजित 13वां जो सम्मेलन हुआ था ये गांधीनगर में गुजरात की राजधानी में हुआ था। 2003 में नई दिल्ली में, 2004 में नई दिल्ली में। पहला ध्यान रखिए, दूसरा ध्यान रखिए, बाकी छोड़ दीजिए, बीच के इंपॉर्टेंट नहीं है। और 2017 में इसका बंगलुरु में मनाया गया था। और 2019 में जो है प्रवासी भारतीय दिवस वो कुंभ मेले को देखते हुए चेंज कर दिया गया, इसे 21 से 23 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन के रूप में मनाया गया और 24 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 2021 का जो प्रवासी भारतीय दिवस था उसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत में जो है योगदान, और सूरीनाम के राष्ट्रपति ने इसका जो है संबोधन किया था। इस बार वर्चुअल माध्यम से मनाया गया है ये। 13वां प्रवासी दिवस जो है वो 2015 को मनाया गया, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। 13वां प्रवासी दिवस 9 जनवरी 2015 को मनाया गया। प्रवासी दिवस भारतीय का सम्मेलन आयोजन 7 से 9 जनवरी 2015 को होता है। इसका आयोजन स्थल गांधीनगर में होता है। महात्मा गांधी की 100वीं वर्षगांठ पर आयोजन होता है। 14वां प्रवासी दिवस 2017 में जो है घोषणा इसकी की गई। 26 अगस्त 2016 को ये जो है इसकी घोषणा की गई। और प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 से जनवरी 2017 को एक प्रकार से मनाया गया। 14वां प्रवासी दिवस सम्मेलन 7 से 9 जनवरी 2017 को, आयोजन स्थल जो है इसका बंगलुरु कर्नाटक रहा। और थीम इसकी क्या थी? प्रवासी भारतीयों संबंधों का नया आयाम जो इसकी थीम थी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मतलब मनाया जाए और कहाँ कहाँ पे मनाया गया, तो ये सम्मेलन इतने जो है 2003, 4, 7, 8, 10, 11 याद रखना, 3, 4, 7, 8, 10, 11। 2014 में जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ है, दो दो लगातार दिल्ली में हुए। उसके बाद एक जयपुर में हुआ, एक गांधीनगर में हुआ 2015 में, एक मुंबई 2005 में हुआ था, 2006 में हैदराबाद में हुआ, 2017 में बंगलुरु में हुआ, इसके बारे में हमने बता दिया आपको। और फिर कोचीन में हुआ, कोचीन में हुआ। और इसके बाद जो हम मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे, क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।